इंडियन टीवी न्यूज देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। उन्हेल से नागदा जा रही फातिमा कॉन्वेंट स्कूल की तूफान जीप भैंस से भरे वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तूफान गाड़ी चकनाचूर हो गई। वही घटना की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस थाना व स्थानीय लोगों द्वारा राहत बचाव कार्य कर बच्चों को गाड़ी से निकाल कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। खबर लिखी जाने तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हो पाई। वही तूफान में एक दर्जन से अधिक बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें नागदा के जनसेवा अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। इनमें 8 बच्चे घायल हुए, 4 की हालत नाजुक स्थिति में देखकर उज्जैन के लिए रेफर किया गया और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ बच्चों को गंभीर अवस्था में इंदौर उपचार के लिए भेजा गया। खबर लिखने तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। ब्यूरो चीफ रऊफ खान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज़।